एथली स्पर्श पर्सनल ट्रेनिंग गाइड, लोअर चेस्ट एक्सरसाइज एंड मसल एजुकेशन। चेस्ट के बाहरी मसल को पेक्टोरल मेजर मसल कहते हैं और अंदर के माइनर मसल कहते हैं। अपर चेस्ट कैविलुलर हेड, लोअर चेस्ट टेरिनल हेड होती है। चेस्ट के नीचे एब्डोमिनल हेड और उसके नीचे सेरेटस एंटेरियर मसल होता है। चेस्ट के सबसे नीचे वाले मसल को लोअर चेस्ट कहते हैं। ओल्ड बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में अर्नोल्ड सर की चेस्ट सबसे बढ़िया दिखी गई है। लोअर चेस्ट का वर्कआउट करते समय एंटेरियर डेल्टॉट और ट्राइसेप बार्ची मसल का यूज थोड़ा सा होता है। इंक्लाइन पुशअप करते समय आपकी चेस्ट बेंच के ऊपर आनी चाहिए और बेंच का आखिरी सिरा आपके चेस्ट के नीचे आना चाहिए। डिक्लाइन बेंच प्रेस करते समय आपके दोनों पैर सही लॉक होने चाहिए। बेंच प्रेस ज्यादा हैवी करना हो तो आप अपने पार्टनर की हेल्प ले, बार लिफ्ट करने के लिए और बार वापस रखने के लिए। डिक्लाइन बेंच प्रेस करते समय बार आपके चेस्ट के नीचे होना चाहिए और वापस ऊपर जाना चाहिए। नीचे आने के बाद उसको अपर चेस्ट तक रोटेट ना करें। डिक्लाइन डंबल प्रेस, यह वर्कआउट करते समय भी आप पार्टनर की हेल्प अवश्य लें, क्योंकि जब डंबल्स नीचे रखने होते हैं तब आपका शोल्डर इंजर्ड हो सकता है, इसलिए आप दो पार्टनर ले तो बहुत ही बढ़िया है। दोनों डंबल आपके हाथ में से आपके पार्टनर इजीली उठाकर रख सकते हैं। डिक्लाइन डंबल फ्लाई, डंबल फ्लाई करते वक्त आपके दोनों डंबल ऊपर की तरफ एक दूसरे को टच ना हो, और जब डंबल फ्लाई की मूवमेंट नीचे की तरफ होती हो तो शोल्डर की मूवमेंट बिल्कुल ना करें। नीचे आते वक्त चेस्ट मसल को खींचे, ऊपर जाते वक्त प्रेस करें। पैकडेक मशीन फ्लाई करते वक्त थोड़ा आगे की तरफ बैठे और पीछे की तरफ बॉडी को रखें, ताकि आपका लोअर चेस्ट मसल इजीली टारगेट हो। ध्यान रहे हाथ जब पीछे गए हो तो वो बॉडी लेवल के ज्यादा पीछे ना जाए। अगर किसी के चेस्ट में गाइनो का प्रॉब्लम हो तो वह केबल क्रॉस मशीन पे रिवर्स ग्रिप केबल क्रॉस वर्कआउट करे। यह वर्कआउट खड़े होकर करने के बजाय अगर आप इस तरह घुटने पे खड़े होकर करेंगे तो आपका लोअर चेस्ट मसल बहुत ही अच्छी तरह टारगेट होगा। पैरेलल बार डिप्स, इसे डबल बार डिप्स भी कहते हैं। इसमें आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स तीनों मसल का वर्कआउट होता है, इसलिए वर्कआउट करते समय ध्यान रखें कि आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं। स्टैंडिंग चेस्ट लैटरल, नीचे आते वक्त आपने इनर चेस्ट को टारगेट कीजिए। नीचे जाते वक्त सांस को छोड़े, ऊपर आते वक्त सांस को ले। रिवर्स ग्रिप डंबल फ्लाई, इससे आपकी इनर चेस्ट और लोअर चेस्ट में बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप जब चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो आपके शोल्डर और ट्राइसेप के मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
लेकिन ध्यान रहे कि प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा आपके चेस्ट मसल पे आए और शोल्डर और ट्राइसेप पे ना आए। इसके लिए आप हाथ जब नीचे आते हैं या फिर पीछे की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे सांस लेकर चेस्ट को खींचे, और हाथ जब ऊपर जाते हैं तो जोर से स्क्वीज कीजिए। डिक्लाइन बेंच डंबल रिवर्स ग्रिप लैटरल फ्लाई, यह एक ओल्ड स्कूल वर्कआउट है। अगर आपकी चेस्ट सही शेप में नहीं है या फिर वह ग्रोथ नहीं कर रही है तो आप यह वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे इस वर्कआउट में आपको लाइट वेट लेना है और ज़्यादा रिपीटेशन करनी है। ज़्यादा हेवी वर्कआउट करने से इसमें आपके शोल्डर मसल पे प्रेशर आएगा और शोल्डर इंजर्ड होने की भी संभावना है। स्मिथ मशीन पे क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, इस वर्कआउट में आपकी लोअर चेस्ट और इनर चेस्ट पे प्रेशर आता है। यह वर्कआउट आप फ्लैट बेंच प्रेस या डिक्लाइन बेंच प्रेस के साथ कर सकते हैं। पुल डाउन के लिए सबसे आखिर में डंबल पुलओवर वर्कआउट चेस्ट और ट्राइसेप के स्ट्रेचिंग के लिए किया जाता है। नीचे जाते वक्त सांस ले, हाथ की कोनी अंदर की तरफ और हाथ सीधे रखें। यह वर्कआउट हेवी करते वक्त ध्यान से करें ताकि कोई इंजरी ना हो। हो सके तो पीछे पार्टनर को खड़ा करके हल्का सा सपोर्ट ले। आपके पास इस तरह बेंच ना हो तो आप यह वर्कआउट जमीन पे भी कर सकते हैं। इसे लैंडमैन पुलओवर कहते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एथलीट स्पर्श।